मैं लखनऊ को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर हूँ सूर्य का राशि परिवर्तन पर, आपका क्या होगा, आपकी राशि पर असर है। सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में जा रहे हैं, जो कि इनकी नीच की राशि भी कही जाती है, तो तमाम भ्रम और डर फैलाने वाले मौजूद हो गए हैं मार्केट में कि भाई अब हाहाकार होगा, फला ढिका। तो हर साल होते हैं, एक महीने के लिए नीच की राशि में करीब 16 नवंबर तक रहेंगे यहीं पे। दूसरी बात, अगर आप बड़े सेलिब्रिटीज देखें, शाहरुख खान वगैरह, ये सब ऐश्वर्य, सब नीच के सूर्य लेके पैदा हुए, हमारे अखिलेश भैया भी, तो इसलिए आपको समझना है। तो सूर्य राज सत्ता के प्लैनेट हैं, और ख़ास तौर से जब तुला राशि में जाते हैं बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, 10 डिग्री तक अगर सूर्य बहुत परेशान करते हैं लोगों को, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल गए डिग्रियों में, नीच की स्थिति में, तुला राशि की बात कर रहा हूँ, तो फिर इतनी परेशानी नहीं देते हैं। 10 डिग्री का मतलब 17 से 27 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना भाई, जिन जिन का कमज़ोर है या जिन जिन को परेशान रहा है, पितृदोष वगैरह में, बाकी सब ठीक। तो डरने घबराने की जरूरत है नहीं, बाकी महा उपाय देने जा रहा हूँ हर राशि के अनुसार, वो करते रहना, जीवन बेहतर रहेगा। बस आपसे एक दरख्वास्त निवेदन कि अगर सही तरीके से मैं कंसल्टेशन और ज्योतिष को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, बस आप शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, बेल आइकॉन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। चलिए भाई, 17 नवंबर, अब ये देखना कैसे है, चंद्र राशि या लग्न दोनों से देख सकते हैं या दोनों में से किसी एक से देख सकते हैं हमारे इस राशिफल को। सबसे पहले बात मेष राशि वालों, पांचवे के स्वामी सातवें भाव में होंगे, पंचमेश सप्तम में जाएंगे, इस तरह से देखा जाए लाभ की स्थिति दर्शाता है, लेकिन सप्तम में नीच के हैं, कैरियर नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा। 17 से लेकर 26 नवंबर तक ध्यान देना, उसके बाद, माफ करना, 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक ध्यान देना, उसके बाद समय बेहतर रहेगा। खास तौर से पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब परेशान कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, धन की आवक अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना। क्या माँ उपाय करें, एक महीने तक रोजाना गाय को खाना खिलाना है, वो कुछ भी हो सकता है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, तो भाई आपके छठे भाव में रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज छूमंतर होंगे, कोई पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति कहीं कोई फंसी हुई थी मिल जाएगी, कोई कोर्ट केस चल रहा था निपट जाएगा, कहीं कोई लोग परेशान कर रहे थे, मामले का सलूशन निकल आएगा, कर्ज अगर कोई चढ़ा है तो उसके लिए पैसे आ जाएंगे, बस निपटा देना, ये गोल्डन टाइम रहेगा। नौकरी में अच्छा परिवर्तन, अच्छे लाभ की संभावनाएँ दिखती हैं, पारिवारिक जीवन खुशहाल, प्रेमी प्रेमिका के बीच छोटी मोटी अनबन हो सकती है, घर गाड़ी बंगले का कोई बड़ा डिसीजन है तो टाल दें तो अच्छा रहेगा अगले एक महीने तक, इसकी खरीदारी करना समझदारी नहीं करेगी। रविवार के दिन किसी गरीब को भोजन खिलाएं, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वालों पंचम भाव में रहेंगे, शेयर मार्केट से दूर रहना, प्रेम प्रसंग से दूर रहना, बच्चों का ख्याल रखना, पढ़ाई पर फोकस रखना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, कर्ज लेन देन से बचना। हालांकि नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों से रिश्ते मधुर होंगे, पिता से रिश्ते मधुर होंगे, पिता को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या चली आ रही थी खत्म होगी, दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी खटपट हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के बीच छोटी मोटी खटपट हो सकती है। गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा हर रविवार। बात कर लेते हैं कर्क राशि, कर्क राशि वालों अगर देखा जाए कैरियर व्यवसाय में भारी लाभ की संभावनाएं हैं, लेकिन बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा और नंबर दो के काम करने से बचिएगा, नंबर दो के पैसा लेने से बचिएगा। घर गाड़ी बंगले का अगर सपना है तो एक महीने के लिए टाल दीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अधिकारी वर्ग खुश रहेगा और खास तौर से मेहनत का फल मिलने जा रहा है इस महीने। क्या उपाय करें, ओम नमः शिवाय का रोज जाप करना बार-बार लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं भाई सिंह राशि वालों की, तीसरे भाव में सूर्यदेव रहेंगे लग्नेश होके, तो पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है, भाई बहनों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, बिना मतलब जहां आप चाहते नहीं हो वहां स्थान परिवर्तन हो सकता है,
और दूर जगहों की यात्राएं हो सकती है जो आपकी इच्छा के विपरीत रहेंगी। उसी के साथ साथ छोटे मोटे विदेशों से अशुभ समाचार मिल सकते हैं, उन सब का ख्याल रखना। नौकरी व्यापार में एवरेज स्थिति बन रही है, पैसे रुपये में एवरेज स्थिति बन रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ बढ़ती दिख रही हैं। रविवार के दिन व्रत रखें अगले 1 महीने तक और गरीबों को भोजन खिलाएं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों, तो कन्या राशि वालों दूसरे भाव में होंगे। पैसे के लेन देन बहुत एहतियात रखना, कर्ज के लेन देन बहुत एहतियात रखना, किसी भी कोई भी पैसा ऐसे किसी को मत दे देना। पारिवारिक जीवन में खटपट हो तो तुरंत उस पर फोकस रखना। नौकरी व्यापार में थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी पड़ सकती है। आर्थिक रूप से भी उतार चढ़ाव बना रहेगा इस महीने। शेयर मार्केट कर्ज के लेन देन से बचना, लोन कोई भी हो तो मत लेना, अगर है तो खत्म करने की कोशिश करना। सूर्यदेव को जल अर्पित करिए ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ। बात कर लेते हैं तुला राशि, तो तुला राशि वालों 11वें भाव पे होगा सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान देना। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, हालांकि नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। खास तौर से अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस की अगर थोड़ी थोड़ी कमी आए तो सूर्यदेव की पूजा उपासना खूब करिएगा। उसी के साथ साथ थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में बना के चलने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बातें बिगड़ सकती। ससुराल पक्ष से कम बनेगी, थोड़ा बहुत दिक्कत बनी है। रोज दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, तो भैया निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए खर्चों का समय है, खर्चों पर ध्यान देना। विदेशों से अशुभ समाचार का समय है, खास तौर से ग्रीन कार्ड वीज़ा जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें रुकना पड़ सकता है और इंतजार लंबा हो सकता है, ये सब परेशानियां बनी रहेंगी। आर्थिक पक्ष एवरेज रहेगा, पैसे खर्च ज़्यादा होंगे आएंगे कम, नौकरी व्यापार में भी नुकसान की संभावना है। क्रोध लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करना। लाल रंग की मिठाई हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ाना लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बेहतर होगा। निश्चित तौर पर नौकरी और सम्मान बढ़ेगा, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नई नौकरी मिलने के योग हैं। मेहनत करेंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। आलस और अहंकार से बचना होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत, माता पिता का भरपूर सहयोग, किसी पैतृक संपत्ति का निपटारा होने के संकेत दिख रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की मिठाई खरीद कर किसी गरीब को दान देना लाभकारी रहेगा। मकर राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके लिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल 90वें भाव पर रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य पर, पिता के स्वास्थ्य पर, विदेशों से चीज़ों पर, विदेशों से प्राप्त धन पर। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं तो भी ध्यान देना होगा, फोकस रखना होगा। हालांकि भाग का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तेजी 28 अक्टूबर के बाद आएगी, धन लाभ होने की संभावना उसके बाद रहेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार उसके बाद रहेगा। शनिवार के दिन 5 गरीबों को भोजन करा दीजिए, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, कुंभ राशि वालों के भाग्य भाव में है, मकर राशि वालों के 10वें भाव में था कर्म में, कुंभ राशि वालों के भाग्य भाव में है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य का ख्याल, विदेशों से आवागमन में ख्याल, चोरी हो सकता है सामान उसका ख्याल, और लोगों के साथ तालमेल में कमी रह सकती है। हर फैसला सोच समझ कर करिएगा, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करिएगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े टालने की कोशिश करिएगा, तभी लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय भोलेनाथ की पूजा लाभकारी रहेगी। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों, परिवार वालों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की और धन लाभ की संभावनाएं हैं, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना सीखें आप, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, पार्टनरशिप में फायदा होगा। आलस से बचना है, सेहत का ख्याल रखना है, अहंकार से बचना है। विष्णु चालीसा का पाठ लाभकारी है। शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।